बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सऊदीया से छुट्टी गए पाकिस्तानी और इंडियन अफराद, उनके लिए सऊदी जवाज़ा से अहम खबर। नाज़रीन, ऐसे अफराद जो छुट्टी गए और फ़्लाइट्स बंद हो जाने की वजह से सऊदीया नहीं आ सके और उनके खुरूज-ए-उहदा एक्सपायर हो गए, तो नाज़रीन सऊदी जवाज़ात ने वजाहत की है कि किन गैर मुल्कियों के खुरूज-ए-उहदा एक्सटेंड नहीं होगा। नाज़रीन, तफसील जानने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक बासानी पहुंच सके। नाज़रीन, सऊदी जवाज़ात के ट्विटर अकाउंट पर एक शहरी ने सवाल किया कि मेरा फैमिली ड्राइवर छुट्टी पर गया हुआ है, इसका काम एक्सपायर होने में एक माह से कम मुद्दत बाकी है, तो क्या खुरूज-ए-उहदा की मुद्दत में एक माह की तौसी मुमकिन है? नाज़रीन, सऊदी जवाज़ात का कहना था कि खुरूज-ए-उहदा यानी एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा की मुद्दत में तौसी के लिए लाजमी है कि अकामा की मुद्दत में कम अज़ कम 90 दिन बाकी हों। अगर इससे कम मुद्दत होगी तो खुरूज-ए-उहदा की मुद्दत में इख्तियारी तौसी नहीं हो सकती। वाजह रहे कि यह सवाल कोरोना की वजह से दी जाने वाली शाही रियायत के हवाले से नहीं है। शाही रियायत के तहत वो तारकीन जो कोरोना की वजह से मुमलिकत नहीं आ सकते, इनके अकामा और खुरूज-ए-उहदा की मुद्दत में 31 जुलाई 2021 तक खुदकार तरीके से तौसी की जा रही है। नाज़रीन, महकमा जवाज़ात और नेशनल डाटाबेस सेंटर के इश्तराक से ये काम जारी है। इस खसूसी राय से वो तमाम तारकीन मुस्तफीज हो रहे हैं जो 2 फरवरी 2021 से आई सफरी पाबंदी होने की वजह से मुतासिर हुए हैं। याद रखें नाज़रीन, ऐसे गैर मुल्की जिनके अकामे एक्सपायर होने में 90 दिन बाकी हैं, वो गैर मुल्की अपना खुरूज-ए-उहदा यानी एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा एक्सटेंड करवा सकते हैं। 90 दिन से कम मुद्दत के अकामे वाले अफराद का खुरूज-ए-उहदा एक्सटेंड नहीं होगा। लिहाजा नाज़रीन, अगर आपके साथ भी ये मसला है तो आप जल्द अज जल्द अपने कफील या कंपनी के साथ राबता करके अपना एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा अकामा एक्सपायर होने से पहले एक्सटेंड करवाएं ताकि फ़्लाइट्स बहाल होने पर आप मुमलिकत आ सकें। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया।